हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर राइडर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आए हैं टीवीएस एंटॉर्क, जो कि 125 सीसी की स्कूटर अपने को मिलने वाला है टीवीएस के द्वारा। काफी स्पोर्टी लुक ये अपने को देने वाला है, जो कि आप देख सकते हो रेड एंड ब्लैक की फिनिशिंग के साथ में ये स्कूटर अपने को मिलता है। या तो अपने को यामा दे सकता है स्कूटर, या दे सकता है अपने को टीवीएस। तो टीवीएस का एंटॉर्क है, जो कि आप देख सकते हो काफी स्पोर्टी लुक के साथ में ये टीवीएस स्कूटर रहने वाला है। जो सौरभ जोशी व्लॉगर है, उन्होंने भी यही स्कूटर खरीदा है, जो कि आप देख सकते हो फुल्ली स्पोर्टी। तो इसके बारे में आपको आज डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इस गाड़ी तो सबसे पहले बात करें इस स्कूटर के की के बारे में। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की मिलती है अपने को, काफी हैवी सी, जिसके ऊपर टीवीएस का लोगो एंड टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये अपना हो गया की होल यहाँ पे सामान वगैरह के लिए। एक यहाँ पर भी अपने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। जो इसका कलर है वो काफी प्यारा अपने को देखने में लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो फुल्ली डिजिटल मिलता है। साइड इंडिकेटर, ऑटो ऑन ऑफ, हेडलाइट, इको पावर मोड, ये कोई अगर एरर आ जाए सर्विस के लिए, इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, उसी के साथ साथ इंजन चेक लाइट, ट्रिप ए बी या रिजर्व में है उसके लिए, साइड स्टैंड के लिए, ये हो गया अपना टाइम, स्पीडोमीटर, और यहाँ पर मिल जाएगा अपना ओडोमीटर, हीटिंग के लिए, फ्यूल के लिए, सारी के सारे इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स मोड, सारी चीजें इसमें अपन सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। और बात करें तो यहाँ पर 125 रेस एडिशन की भी ब्रांडिंग अपने को मिल जाती है। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, हैजार्ड के लिए, इंजन किल स्विच और सेल्फ का बटन भी इस गाड़ी में अपने को मिल जाता है। बात करेंगे एक बार फ्रंट लुक की, तो फ्रंट के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर दे रखे हैं, स्मार्ट कनेक्ट की ब्रांडिंग दे रखी है, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाला वेरियंट है। उसी के साथ साथ बात करेंगे इसकी हेडलाइट की, तो वो देख सकते हो काफी यूनिक सी और काफी लो में इसकी हेडलाइट बनाई हुई है। तो एलईडी टेक की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। ये अपना DRL 4 LEDs में अपने को मिलने वाली है। फ्रंट के अंदर बात करें तो यह अपने को मैट के अंदर है और ये अपना बॉडी कलर रहने वाला है। यहाँ पर कुछ कार्बन फाइबर मिल जाता है मैट के अंदर और यहाँ पर अपने को ग्राफिक्स मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, 12 इंच का अपने को टायर मिल जाता है और अलॉय व्हील मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो 80 टायर प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो 100 80R12 की प्रोफाइल के साथ में इसका टायर रहने वाला है। और अलॉय व्हील की लुक आप एक बार देख सकते हो। डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन इसमें अपने को मिल जाता है। यहाँ पर 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है, काफी अच्छा ग्राफिक मिल जाता है कुछ कार्बन फाइबर डिजाइन के साथ में। नीचे की साइड में टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये हो गया अपना रियर फुटरेस्ट, जो कि आप देख सकते हो। ये हो गया अपना लेडीज गार्ड, किक का भी, मैन स्टैंड, साइड स्टैंड, तीनों के तीनों मिलते हैं। आज के टाइम में किक का ऑप्शन दिन प्रतिदिन गायब होता जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी में अपने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करेंगे फ्यूल लीड और बूट स्पेस के बारे में। तो एक बार फ्यूल लीड को ओपन करता हूँ, तो ये अपना फ्यूल हो गया, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से अपना ओपन हो जाएगा। बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है अपना हेलमेट वगैरह के लिए। रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाता है और सीट के ऊपर भी कार्बन फाइबर की डिजाइन में अपने को मिल जाती है मैट के अंदर। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर हम्प भी दिया हुआ है। एंटॉर्क 125 रेसिंग एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर के अंदर भी अपने को 110 80R12 की प्रोफाइल के साथ में टायर मिल जाएगा। टीवीएस का टायर इसमें रहने वाला है। उस साइड की लुक की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस साइड के अंदर भी अपने को एंटॉर्क 125 रेसिंग एडिशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये अपने फुटरेस्ट, ये अपने इंजन के लिए फैन वगैरह हो गए, ये हो गया अपना एग्जॉस्ट, जो कि मेटल की बॉडी के साथ में आता है, और यहाँ पर अपने को इंडिकेटर वगैरह की भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर अपने को कितना क्या पावर मिलता है, क्या माइलेज मिलता है, वो भी अपने बात कर लेते हैं। प्राइस की बात करें तो ये अपने को ऑन रोड 1,17,000 रुपए की पड़ने वाली है ये वाला वेरियंट। बाकी अगर इसका बेस वेरियंट लेते हैं तो 1,04,000 रुपए का भी अपने को मिल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं गाड़ी के कर्ब वेट की, क्योंकि स्कूटर के अंदर वो भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 118 केजी का इसमें अपने को कर्ब वेट मिल जाता है और 5.8 लीटर का इसमें अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसी के बाद में बात करते हैं इसके अंदर अपने को इंजन का क्या सिस्टम रहने वाला है। तो 124.8 सीसी का BS6 सेकंड फेस इंजन रहने वाला है, जो की 9.25 BHP की पावर अपने को निकाल के दे देगा। उसी के साथ साथ 40 से 45 तक का ये माइलेज देगा और ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम रहने वाला है। एयर कूल्ड इंजन इसके अंदर अपने को मिल जाता है। बात करेंगे सस्पेंशन की, तो फ्रंट के अंदर अपने को टेलीस्कोपिक और रियर के अंदर अपने को हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। SBT ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर रहने वाला है। फ्रंट के अंदर 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर के अंदर अपने को 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। दोनों के दोनों टायर अपने को ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और बात करें लेंथ साइज की, तो 118 kg का कर्ब वेट, 770 mm का सीट हाइट, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। उसी के साथ साथ लेंथ की अगर बात करें तो 1164 mm इसकी लेंथ रहने वाली है। 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की इसकी अपने वारंटी मिल जाती है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपना मिल जाता है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।